राजेश कालिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले आप कूड़ा से कागज चुनते थे, फिर हिस्ट्री सीटर बन गए और फिर बाद में मेयर बन गए और काफी अच्छा मेयरशिप रहा आपका, तो इसके बारे में जरा सा अपना सफर बताएंगे आप। देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ। मैं 7 बहन भाई थे, मेरे पिताजी हैं, आज भी हैं, माँ और बाप सब है, मेरे साथ परिवार है। लेकिन देखिए, 25 सेक्टर के अंदर मेरे पिताजी आए, उसके बावजूद कहीं ना कहीं 1992 के अंदर लड़ाई झगड़े के कारण, या ये लगाएं कि संघ का स्वयंसेवक होने के कारण, उस वक्त सरकार जो थी कांग्रेस की थी, और 3 केस लड़ाई झगड़े के होने के बावजूद, जबकि 3 केसों में हिस्ट्री सीटर नहीं बनाया जाता, मेरे को हिस्ट्री सीटर राजनीति के दबाव में बना दिया गया। कहाँ से बनाया? ये चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के मलोवा चौकी से। तो ये पंजाब वालों से की ओर से हिस्ट्री सीटर बनाया? नहीं, उनका कहना था कि पंजाब पुलिस एक्ट जो हमने अडॉप्ट किया, उसके अंदर जिसके ऊपर 3 केस है, चाहे वो सट्टे के है, चाहे दारू के है, जिसपे भी 3 केस होंगे उसको वो हिस्ट्री सीटर बना सकते हैं। वो पुलिस की अपनी मोनोपोली थी उस वक्त, तो उन्होंने बना दिया। लेकिन 2001 तक सारे केसों में मैं बरी हो गया। 3 केस मेरे ऊपर थे लड़ाई झगड़े के। एक मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था मोहाली के अंदर, लॉटरी की दुकान पर काम करता था, तो वहाँ भी एक पर्चा मेरे ऊपर गैम्बलिंग एक्ट का 50 रुपये का जुर्माना होकर वो भी ख़त्म हुआ। तो 2001 में मैंने मेरी 1996 में शादी हुई, 2001 में मैंने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान का चुनाव लड़ा अपनी सभी, क्योंकि एक छवि मेरी लोगों के द्वारा या पार्टी खराब थी उस वक्त। क्योंकि देखिए, कॉलोनियों के अंदर माहौल ऐसा ही रहता कि वो जवानी का टाइम था, तो उस वक्त मुझे लगता था कि लड़ाका मेरे को ज्यादा कहा जाता था, लेकिन कोई ऐसा नशा पत्ता मैंने जिंदगी में कभी बीड़ी सीटर शराब ये रास्ता डेफिनेटली। आपके पार्षद की टिकट भी कटने वाली थी, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि ये हिस्ट्री सीटर है, इसलिए टिकट भी नहीं देंगे। मुझे ध्यान है कि फिर बाद में नहीं उसके अंदर, ठीक आपका क्वेश्चन है कि उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक समाज के अंदर, मैं 2000 आप बात कर रहे हो 2011 की, 2011 में चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैं जब तक 2006 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, 2001 में मैंने चुनाव लड़ा रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का, उसके अंदर मैं एक मुख्य धारा में लड़ाई की भूमिका को छोड़कर एक सामाजिक भूमिका में आ गया। उसके बाद 2001 से लेकर 2016 तक, देखिए यहाँ वाल्मीकि समाज का 2-2.5 लाख की आबादी है, एक बहुत बड़ा तबका है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लड़ाके की भूमिका से हटाकर समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि मेरे को वाल्मीकि समाज का चेयरमैन बनाया। चेयरमैन होने से एक सामाजिक पृष्ठभूमि मेरी आ गई, और कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री सीटर का दाग था वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा कि यार इस लड़के को क्यों ना मुख्य धारा में लेकर आए, स्वयंसेवक भी है। संघ के लोगों ने तय करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, युवा मोर्चा के अंदर, गुरप्रीत ढिल्लों उस वक्त अध्यक्ष थे, मेरे दोस्त थे बचपन से, तो उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के अंदर युवा मोर्चा का बनाया। 2009 के अंदर तो पार्टी ने मेरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर जो है सी मोर्चा किया उसके अंदर भेज दिया, और 2010-11 के अंदर मेरे को जर्नल सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन 160 वोटों से मैं चुनाव हार गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हार के पीछे भी वो जो बैड करेक्टर वाली भूमिका थी, मुझे लगता है वो नुकसान पहुंचाया मेरा, उसने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन हारने के तुरंत बाद भी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मेरे को एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बावजूद 2013 में बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी वो है, जिस तरीके से ऐसी कमीशन है, कमीशन के तौर पे उसका मेरे को मेंबर बना दिया गया 3 साल के लिए। और 2016 के अंदर उसी दौरान 2008 से लेकर 2016 तक मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी चेयरमैन रहा। जिस स्कूल का मैं विद्यार्थी था उसी स्कूल के अंदर, अब आप 26 जनवरी को मैं झंडा फहराने गया या 15 अगस्त को, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात हुई। 2016 के अंदर जब कोर कमेटी बनी, तो उसके अंदर मुझे चुनाव समिति के अंदर ऐसी समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनाव समिति के अंदर मुझे मेंबर बनाया गया, और 2016 के अंदर ही मलोवा से मुझे टिकट दी गई। वहाँ भी मेरी छवि का वही हुआ कि यार यहाँ सट्टे चलेंगे, ये होगा वो होगा, तो वहाँ जो मतलब एक ग्रुप था जो कि आपके चरित्र को बराबर 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 खराब करते रहा, दिखाते रहा। लेकिन क्या कि मेरी 20 साल की बेटी ने
जो है कंपेनिंग का जो जिम्मे नीचा आज वो प्रदेश के युवा मोर्चा की प्रदेश सचिव है, उसने एक कंपेनिंग का जिम्मेवारी ली और उसने घर घर जाकर कहा कि मैं 20 साल की, मुझे नहीं पता मेरे पापा को 20 साल पहले कैसा करेक्टर था, लेकिन आज उनकी 20 साल की बेटी आपके भी, और मेरी बेटी के जाने से मुझे एक मनोबल मिला लोगों ने, और उसका एक चीज़ हुआ कि मैं वहाँ से चुनाव जीत लिया 2016 में। चुनाव जीतने के बावजूद मैं पार्षद बना, पार्षद के बाद ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि 2019 में मुझे मेयर बनाया, और मेयर कार्यकाल के अंदर वही चीजें स्टार्टिंग से, एक अखबार ने मेरे खिलाफ विशेष मुहिम छेड़ी, एक मीडिया ट्रायल जो आप बता रहे थे कि मीडिया ट्रायल आपका चला, तो इस मीडिया ट्रायल में क्या था और किस तरह से अखबार पढ़ने से भी आप भचकते थे या भयभीत रहते थे, पता नहीं क्या छाप दिया? देखिए पुरानी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी मान लो, देखिए कि मीडिया ट्रायल इस तरीके से था, मेरे से पहले इसने मान लो मेरा किसी केस में मैं बरी भी हो गया, किसी का मेरे साथ व्यक्तिगत पैसे का लेन देन है, 138 की कंप्लेंट थी उसमें बरी होगा, तो उसने लोगों से पैसे ले रखे, ये कर रखे है, मतलब मुझे नहीं लगता। देखिए उस वक्त मीडिया ट्रायल ऐसा नहीं होना चाहिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच्चाई मीडिया को लेकर आनी चाहिए, लेकिन एक विशेष अखबार ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाकर मतलब मैं ये लगा लो कि मेरे एक तरह से टेररिस्ट टाइप का मुझे घोषित कर दिया उस वक्त। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने बड़े प्यार से, बड़े संयम से अपने आप को थमा। उस दौरान मेरा परिवार एक वक्त ऐसा हुआ कि यार मैं इस रेस से बाहर हो जाऊँ, मैंने मेयर नहीं बनना, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरी बेटियों ने, मेरी घरवाली ने, तीन बेटियां मेरी, सब ने मेरी सपोर्ट की, कोई बात नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे, आप सच्चे हो पक्के हो, ये चीज़ें वो है जो मेरे बीता हुआ कल जो मीडिया बात कर रहा है। लेकिन उसके लिए जिस दिन मैं मेयर बना, मेयर बनने के बाद भी मेरे साथ एक महीने तक मीडिया ट्रायल चला, चाहे वो मेरी एंटाइटलमेंट को लेकर है कि इसने क्या फ़ोन मांग लिया, या मेरे अगर जो घर के अंदर फर्नीचर टूटा मैंने उसको बदलने की भी बात की, तो मीडिया ने ये कहा कि इसने फर्नीचर मांग लिए, बर्तन मांग लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जलील किया गया, लेकिन मैं उन चीज़ों से नहीं डरा, और ना डरने के बावजूद मैंने पूरा, जिस दिन मैं पहली मीटिंग के अंदर आया तो उस दिन मैंने एक अपने आप से और उसी मीडिया से वायदा किया कि मैं प्रयास करूंगा अपने आप को बदलने के लिए, जो आपने छवि मेरी दिखा दी है या लोगों के बीच में छवि बना दी है, और मैंने 2019 के अंदर अंत एंड तक उस छवि को आज लोगों के बीच में बेहतरीन तरीके से प्रसारित किया, अपने आप को बदला। अब मैं सिर्फ इतना ही मीडिया से ही चाहूँगा कि जितना भी मेरा एक साल के कार्यकाल के अंदर है, मीडिया कितना नंबर देता है या लोग कितने नंबर देते हैं ये मैं उन्हीं पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकाल से खुश हूँ। तो जिस तरह से अफसर के साथ एक तालमेल बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि एक मेयर तभी काम करवा सकता है जब अफसरों के साथ तालमेल, उसको कैसे बनाए, क्योंकि कुछ लोग बीच में ऐसे थे कि जो मेयर और अफसरों के बीच में कोई ना कोई एक बखेड़ा खड़ा करना चाहता था कि इन दोनों में बने नहीं, और जो हिस्ट्री सीटर का एक जो इमेज है वो बरकरार है, क्या कहते हैं? देखिए कई लोग थे, कई लोग बीच में, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हों या कोई कितने ही लोग थे, जो कईयों की एक मनोपली थी, उनके मन में ये मानना था कि शायद मेयर हमारे बलबूते पर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मेरे को जब ये ट्रायल चल रहा था उसी दौरान एहसास हुआ कि यार कहीं ना कहीं तेरी गलती है। देखिए इम्प्लीमेंट दो कॉरपोरेशन के अंदर दो ही कुर्सी है, एक कमिश्नर और एक मेयर, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो आगे पीछे चलते हैं। मुझे ये एहसास होने लगा कि यार कमिश्नर के बिना या ऑफिसर साहिबान के बिना मैं काम नहीं करवा पाऊँगा, और मैंने एक बैठक कमिश्नर साहब के साथ तय करके जितना भी मेरा मन मुटाव था, मेरी गलतियाँ थी, तो मैंने उसको स्वीकार किया और कमिश्नर साहब से एक ही वादा लिया कि हम दोनों जो है चंडीगढ़ के हित में काम करेंगे, चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, कमिश्नर ने हमेशा छोटे भाई की तरह, या मैं ये कहूँ कि इस युद्ध के अंदर एक बहुत बढ़िया सारथी की तरह जो काम किया है, या कमिश्नर का जो मार्गदर्शक के तौर पर कमिश्नर मेरे साथ चला है, तो उसी के कारण आज मैं अपनी पोजीशन यहाँ तक जो है चंडीगढ़ के 4-5 कामों की बात करूँ तो मैं वो लेकर आया, ये इसके लिए मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता। खासी चर्चा रही कि जब आप मेयर बने तो एक तो कुर्सी जो राजशाही कुर्सी थी आपने हटवा दी, दूसरी बात कि मेयर के बाहर काफ़ी लोग संख्या में खड़े होते थे कि अब मेयर साहब से मिलना है, पर्ची भेजो, और दरवाज़ा बंद रखते थे कि पता नहीं कोई हुजूम ना आ जाए,
आपके आने के बाद वो दरवाजे खुल गए लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वो दरवाजा खुला। देखिए क्या कारण रहा है इसका? इसका कारण एक सिंपल सा कारण है, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक मैंने कभी भी कोई भी चीज जो घटना मेरे जीवन में घटी है उसको मैंने कभी कमजोरी नहीं बनाया, उसको प्रेरणा स्रोत बनाया। मैं कहीं एक बार मेयर से मिलने के लिए आया, 4 घंटे के बावजूद भी मैं मेयर से नहीं मिल पाया था, तो मन के अंदर था कि यार कोई आदमी यहाँ पर बगैर, देखिए हमारे पास कौन आएगा, गरीब आदमी आएंगे, अमीर आदमी के पास तो उसको जरूरत ही नहीं है हमारे से बात करने की, वो अपना काम ऊपर के ऊपर ही करा लेता है। तो उन गरीबों के लिए, जिस समाज से मैं आता हूँ वो गरीब समाज से, गरीब तबका आता हूँ, उनके लिए मैंने दरवाजे खोले रखे। और रही कुर्सी की बात, एक सिंहासन नुमा कुर्सी इसलिए हटाई कि कभी अपने आप को राजा टाइप में महसूस ना करूँ, नगर सेवक के तौर पर मैंने अपने आप को स्थापित किया है, तो मैं जनता की सेवा करने के लिए नगर सेवक के तौर पर काम करूँ, इसलिए मैंने उस कुर्सी पर बैठने से मना किया। आप अहंकार से कैसे बचे, क्योंकि इसके पहले जितने भी मेयर आए उसमें 2-3-4 तो इतने अहंकारी थे कि कोई मिलना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी उनसे मिलना छोड़ दिया था कि यार छोड़ो इसको क्या। देखिए गरीब आदमी या तो बहुत बड़ा अहंकारी होगा, सबसे बड़ी बात है अहंकार कहाँ आता है, जब आदमी के पास ये आ जाएगी यार मैंने पैसा कमाना है या मैंने कोई गलत काम करने, तो अहंकारी वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कि मैं, मेरे ऊपर अहंकार कभी भी इसलिए हैवी नहीं हुआ, होने दिया मैंने कि मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीबों का बच्चा हूँ और गरीबों के लिए काम करने के लिए आया, नगर सेवक के रूप में काम करने के लिए आया, तो उसके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता आपके। दूसरी बात यह कि कहते हैं कि मेयर बनने के बाद बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है, अब किस तरह की कमाई होती है भगवान जाने, आपने कितनी कमाई करी है? देखिए आज भी मैं वैसा के वैसा हूँ, आज भी मेरे पास अपना एक्टिवा है, अपना सारा सब कुछ है, आज भी मैं सरकारी गाड़ी का कम इस्तेमाल करता हूँ, अपनी गाड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जितना है 70-80 हज़ार रुपया मेरे पास किराया आता है, मैं उससे खुश हूँ। और कोई मेरी 3 बेटियाँ अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूँ, ना ही मुझे ये पता है कि कमाई होती है, ना ही मुझे कहीं ऐसा कमाई का कोई संसाधन दिखा। लोगों की सोच है वो कौन कितना क्या कमाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कमाई का संसाधन कॉरपोरेशन के अंदर। फिर क्या मेयर बने जब चर्चा ही ना हो कि आपने करोड़ों की कमाई नहीं करी? देखिए मैं पहले भी मेयर नहीं, मैंने नगर सेवक के तौर पर आज भी मैं कहता हूँ, मैंने मेयर कभी अपने आप को कहा ही नहीं, और आज भी कहता हूँ मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूँ। और नहीं देखिए जो करप्शन करने वाले हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं बिल्कुल साधारण जो है, अब कई बार क्वेश्चन भी उठा कि 18 तारीख की जगह आपको 10 तारीख 8 दिन कम कर दिए, मैं तो कहता था पहली को करा दो, पहली तारीख को चुनाव करा देना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 18 दिन घटे, लेकिन जितने दिन रहे शान से रहा, बढ़िया रहा, कोई 1 रुपये का इल्जाम ना लगा पाए, ऐसे तरीके से नीति और नियत से रहा। इसके अंदर मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी नीतियों के कारण मैं अपनी लड़ाई को पार कर पाया और शहर के 3-4 विकास जो अच्छे हैं वो कर पाया। वैसे पिछले कई सालों से फाइनेंशियल क्रंच है नगर निगम में, और 2-3 मेयर आए जिनके गॉडफादर हुआ करते थे राजनीति में, आपके कोई गॉडफादर नहीं थे, फिर भी आप कुछ ना कुछ लेकर के आए, पैसे बजट लेकर के। इसके अंदर गॉडफादर ठीक है, आज भी प्रेरणा स्रोत कई है, मेरा भी है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष है, मैडम एमपी है, ऐसा नहीं है, मैं सत्यपाल जैन की भी बात करूँगा वो भी मेरे लिए बहुत आदरणीय है, लेकिन जो काम हम लोगों ने करना है, जब आपके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर कैपेसिटी, आपके अंदर काम करने का मादा है, तो आप स्वयं जाकर बात करें। और ये बात मैंने जब अपने कमिश्नर को लेकर एडवाइजर साहब से सारी बातें की, तो उन्होंने तुरंत हर चीज़ के लिए हाँ भरा, और उसके बाद मैं गवर्नर साहब के पास गया, उन्होंने हाँ भरी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी की जरूरत है। नीति और नियत और कुशल नीति, इसके अंदर कमिश्नर साहब की कुशल नीतियों के कारण मैं पैसा लेकर आ पाया। आने वाले मेयर के लिए जो 10 तारीख को चुनाव होना है, 10 जनवरी 2020 को, तो ऐसे में उनके लिए कोई नसीहत होगी जो आपने अपने अनुभव के थ्रू उनको कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा आने वाले मेयर के, लेकिन जो भी होगा वो एक्सपीरियंस होल्डर ही होगा। देखिए किसी को कहने, आज माने ना माने, वो एक उनका विषय है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि देखिए आज के दिन जो मेरी अपनी सोच है, अधिकारियों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, अधिकारियों से बड़ा कोई टीचर नहीं है। तो या तो आप स्वयं को अपने आप को परिपूर्ण समझेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन सहयोग अधिकारी और कमिश्नर से सहयोग करोगे तो आप चंडीगढ़ का विकास कर पाओगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में ना आकर स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के ज्ञान से कॉरपोरेशन को चलाए, और कोई भी रबड़ स्टैंप ना बढ़े, और स्वयं के विवेक से कॉरपोरेशन को चलाकर चंडीगढ़ का जो है विकास करें। मेरा ऐसा उन लोगों से, और रिक्वेस्ट एक और चीज़ है कि जो परंपरा मैंने गरीबों के लिए यहाँ चलाई है कि दरवाज़ा खुला रखें, उनकी मन की बात सुने, वो अगर जो कर पाए तो उनके लिए धन्यवाद, नहीं कर पाए तो वो उनकी सोच है। गवर्नर साहब वीपी सिंह बदनौर जी का कितना आपको सहयोग मिला जो बजट लेके आ पाए? 100% सर,
110% जो है, मैं दिल से मैं और चंडीगढ़ के लोग, खासकर डंपिंग ग्राउंड के मामले के अंदर, वहाँ लोगों ने उनके चरण छूकर एक बात कही है कि हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन आप जैसा आदमी एक तरह से भगवान की तरह हमारे लिए आया, जो डंपिंग ग्राउंड का इशू। मेयरशिप का अंतिम कार्यकाल आपका लगभग पूरा हो चुका है, अब 10 तारीख को दूसरा मेयर आने वाला है, इस बीच में आपकी कोई योजना होगी जो मेयरशिप के बाद आप करने जा रहे हैं? देखिए, मेयरशिप का कार्यकाल को कहूँ वो खत्म हुआ, लेकिन नगर सेवक के रूप में मैं यहाँ काम करता रहूँगा, कर रहा था, तो वो मेरी आगे की रणनीति है कि शहर के विकास के जो मुद्दे हैं, पहले एक समाज के लिए उठाता था, आज पूरे चंडीगढ़ के मुद्दे हाउस के अंदर उठाएंगे, ताकि चंडीगढ़ के अंदर जो अपना ज्ञान है उसको, जो भी अपनी समझ जाए तो हाउस के अंदर उसको वितरित करेंगे, बात रखेंगे अगले जो मेरा आएगा उसके सामने, ताकि हम चंडीगढ़ का अच्छा विकास करा पाएं या कर पाए, तो मेरा ऐसा प्रयास है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।